जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। आज हम बात करेंगे कि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नीचे आ जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे आपको उसे आप प्राप्त कर सकते हो, एक मुद्रा की तरह, हांकनी मुद्रा। और ये मुद्रा हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करती है, हमारी याददाश्त शक्ति को मजबूत करती है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मेन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की सारे मेन एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। हमारे ब्रेन की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि सारी हमारी जो भी संवेदनाएं हैं उसे संचारण करती है, उसे कंट्रोल करती है। हांकनी मुद्रा, हांकनी यानी कि एक तरह से होता है हुकुम देना, तो हांकनी मुद्रा जो है वो हमारे शरीर के हर एक सेल्स को एनर्जी से एक्टिवेट करती है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे मेन ब्रेन के सारे पार्ट्स को, ग्लैंड्स को एनर्जाइज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बहुत इजी वे है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना। और अगर आप बहुत याददाश्त शक्ति आपकी कम हो रही है तो उसे भी आप अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हो। तो ये जानते हैं कैसे करते हैं। देखिए, हांकनी मुद्रा करने के लिए हमारी जो उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां, इनके जो सिरे हैं यानी कि द टॉप ऑफ द फिंगर्स, थंब और बाकी सारे उंगलियों को एक दूसरे से इस तरह से आपको टच करना है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, कैसे देख सकते हो आप, अंगूठा अंगूठे को, थंब थंब को, फर्स्ट फिंगर टू द फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर टू द मिडल फिंगर, रिंग फिंगर टू द रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर टू स्मॉल फिंगर, इस तरह से आप देख सकते हो पूरा ये बन चुका है। ठीक है, दिस इज द वे। अब इसे हमने क्या किया है, सारे हमारे जो फाइव एलिमेंट्स हैं शरीर के, पांचों तत्व, वाटर, फायर, स्पेस, अर्थ, इन सबको हमने आपस में मिला लिया है। शरीर का अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, सारे तत्वों को आपस में मिलाते हुए अब करना क्या है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे? एकदम सेंटर में, अंगूठा हल्का सा हमारा हृदय के बीच में स्पर्श करता हो, ये हमारा पोज हो गया इस मुद्रा का। इसे आप सुखासन में कर सकते हैं, अर्ध सुखासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं, और कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, जैसे हमने पोज ये बना लिया, उसके बाद क्या करना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो टंग है, टंग को हमारे जो ऊपर के मसगुड़े के ऊपर जो हमारे मसल्स हैं उसे हल्का सा टच करना है। दांत के थोड़ा पीछे जबान ये है, इसे थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ टच किया। और फिर हमें सांस भरना है, लंबी गहरी सांस हमने ली और सांस को छोड़ते हुए हमें हमिंग साउंड करना है। क्या करना है, हमें हमिंग साउंड करना है, यानी कि इस तरह से हम हमिंग साउंड करेंगे। और ये हमिंग साउंड करते हुए हमारा जो ध्यान होना चाहिए, हमारी जो पूरी विचार होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन द आईब्रोज, यानी कि दोनों भौहों के बीच में, यहाँ पे जहाँ पे हम टीका लगाते हैं वहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे उंगलियों को हमने एक दूसरे को हल्का सा स्पर्श कर लिया, अंगूठा जो है इस तरफ छाती के बीच में, लंबी गहरी सांस भरें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, फिर से सांस भरना और हमिंग साउंड करना है, ब्रीद इन, और जबान को हमें ऊपर की तरफ टच कर लेना है, अपने तालू के ऊपर टच कर लेंगे। लेट अस हैव वंस मोर, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और जबान को ऊपर की तरफ टच करते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे। टेक द पोजिशन, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, Mm-hmm.
तो इस तरह से आपको लगभग 5 मिनट करना है, यू हैव टू डू द 5 मिनट्स। इस मुद्रा में बैठना है, सांस को अंदर भरना है और सांस को बाहर करते हुए भौंरे की तरह आपको अपने कंपन को पहुंचाना है। और जब कंपन पहुंचाते हैं उसके बाद जैसे ही 5 मिनट हो जा रहा है, फिर आप आराम से दोनों हाथों को इस तरह से आप रिलैक्स ओपन मुद्रा में छोड़ सकते हैं, महामुद्रा में, या तो फिर इसी तरह से आप इसी मुद्रा में रहेंगे, हाकनी मुद्रा में, और अपने ब्रेथ को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और पूरा ध्यान दोनों भावों के बीच में रखेंगे, बिटवीन द आईब्रोज, ऐसे। रिलैक्स होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट और एक बात रह गई जो मुझे बताने की, कि यह हुआ रिलैक्सिंग पोजीशन, लेकिन इसको अगर काफ़ी आपको एनर्जाइज वे में करना है तो ये दोनों हाथ जो हैं ये हमारे इस तरह से सीधे रह सकते हैं, ऐसे। और आप ऐसे भी कर सकते हो रिलैक्स मोड में, विच एवर यू फील कंफर्टेबल, दिस इज ऑल्सो गुड एंड दिस विल बी द मोर पावरफुल। दिस इज द रिलैक्सिंग पोजिशन। तो इस मुद्रा का भरपूर फायदा उठाइए, हाकनी मुद्रा। दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। हमारी जो याददाश्त शक्ति अगर थोड़ी कम होती है या फिर हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, तभी भी ये मुद्रा बहुत फायदेमंद है। दिस मुद्रा इज़ वेरी गुड फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन को बहुत ही एनर्जाइज करती है। इस मुद्रा का फायदा उठाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।